हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पत्ता गोभी के साथ मिक्स सब्जी। तो मैंने क्या क्या ले लिया है इसमें, एक पत्ता गोभी ले लिया छोटा, हरी मिर्ची ले लिया है, धनिया पत्ता, एक गाजर, 3 शिमला मिर्ची, कैप्सिकम, 1 टमाटर, अदरक, 1 प्याज और 2 आलू। तो चलिए पहले मैं इसको काट लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने सारे सब्जी काट लिया है, प्याज, हरा धनिया, टमाटर, हरी मिर्ची, पत्ता गोभी को काट के धुल लिया है, गाजर, आलू और कैप्सिकम। चलिए अभी रेसिपी प्रोसेसिंग में चलते हैं। मैंने यहाँ पे तेल गरम करने के लिए रख दिया, तेल गरम हो गया है। इसमें हम प्याज और हरी मिर्ची हमने डाल दिया इसमें। अब इसमें हम टमाटर भी ऐड कर देंगे। टमाटर और प्याज को हम सॉफ्ट कर लेंगे फ्राई करके। टमाटर और प्याज फ्राई हो गया, इसमें भी हम आलू, गाजर और कैप्सिकम डाल देंगे। इसमें पत्ता गोभी भी हम डाल देंगे। सब सब्जियों को हम एक साथ ही सॉफ्ट करेंगे। पत्ता गोभी मैंने डाल दिया, अभी ऊपर से मैं नमक डाल दूँगी। इसमें 1.5 चम्मच नमक यूज करूँगी। गैस को मीडियम करके हम इसमें लेड लगा देंगे, इसको 3 से 4 मिनट के लिए पका देंगे। बीच में मैंने एक बार लीड हटा के सब्जी भी चला लिया था। देखिए इसमें पानी छोड़ दिया पत्ता गोभी ने। तो अभी हम इसमें मसाला ऐड कर देंगे एक एक करके। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। सभी मसाले को अच्छे से सब्जी में मिक्स कर देंगे। मसाले को भी सारे सब्जी के साथ हम लेड लगा के 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। मसाला हमारा पक चुका है, इसमें भी हम पानी ऐड करके इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। गैस को हाई फ्लेम पे कर देंगे, पानी थोड़ा सा और ऐड कर देंगे। अब
इसमें हम बॉयल आने देंगे। देखिए इसमें उबाल आ गया है, इसमें भी थोड़ा सा चीनी ऐड कर देंगे। देखिए पानी भी थोड़ा सूख गया है, तो हम इसको पानी सूखने तक पका लेंगे। पानी सूखने से पहले एक स्मैशर ले लीजिए, इसको ऐसे दबा के थोड़ा सा आलू गाजर जो है थोड़ा तोड़ दीजिए, ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए। मैंने स्मैश कर दिया है, पानी सूखने तक और थोड़ा सा सब्जी को ठीक होने तक हम इसको पका लेंगे। देखिए इसका पानी बिल्कुल सूख गया है, थोड़ा सा थिक भी हो गया। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने धनिया पत्ता को इसमें मिक्स कर दिया है, अभी मैं सब्जी को निकाल लूँगी। देखिए मैंने सब्जी को निकाल लिया है, अभी ऊपर से धनिया पत्ता डाल के इसको सर्व कर लेंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।